नाजरीन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर लुबना बेग के साथ मेडिकल एजुकेशन के हवाले से आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं डॉक्टर साहब अब मेडिकल एजुकेशन के हवाले से हमने बात की जो मॉडिफ़िकेशन आ रही हैं और बहुत सारी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं इन चेन में आने वाली तब्दीलियों का इम्पैक्ट हमें कितने अर बाद नज़र आएगा क्योंकि ये सारी तब्दीलियाँ उनमें आ रही हैं जो कि लोग अंडर ट्रेनिंग हैं तो ये ऑब्वियसली जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे इस हवाले से जानना चाहूँगा आपसे दूसरा अहम अहम सवाल ये मेरा है कि जब हम बात करते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स की तो पैरामेडिकल स्टाफ को भी कंसिडर किया जाता है yes. और मेरे ख्याल से उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लोगों की हेल्थ केयर hmm. में जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता बिल्कुल उनको इस तरह के प्रोग्राम्स में इंडक्ट करने की कहीं बात की जा रही है जी आई थिंक आपका जो पहला सवाल है इसका इम्पेक्ट कब नज़र आएगा इसका इम्पेक्ट फौरन तो नज़र नहीं आएगा हमारी अगर आप हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें तो ये नहीं होगा कि आज हमने करिकुलम बहुत ज़बरदस्त बना दिया इंटीग्रेटेड बना दिया असेसमेंट टूल्स भी शानदार बना दिए तो कल को हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो जाएंगे मगर हमारे जो ग्रेजुएट्स निकलेंगे वो अच्छे और सेफ़ डॉक्टर्स होंगे एंड दे विल बी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स तो इम्पैक्ट इसका मेरा ख़्याल है एक जनरेशन के बाद कम से कम होपफुली बीस पच्चीस साल के बाद सिलेक्टेड कम्यूनिटीज़ में नज़र आना ज़रूर शुरू हो जाएगा अगर आज सब चेंज हो गया जी तो ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएगा और होपफुली यू नो लोगों के लिए आई थिंक दिस विल बी अ गुड चेंज कि लोग अपने लिए बेहतर अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर लेंगे और दूसरा सवाल आपका के पैरामेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ ये एक बहुत ही uh, बहुत ही टची सा इशू है पाकिस्तान के हवाले से बाहर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में मैं भी मैं मास्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम से uh, मुनसिक थी तो वहाँ पे आ, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे आ, नर्सेस भी थे आ, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थे कारोप्रैक्टिस थे आ, मेडिकल टेक्नीशियंस थे आ, सारे लोग थे क्योंकि वो भी अपने वहाँ पे भी जैसे ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है ना फिजियोथेरापिस्ट थे

फोकस किया जा सके। बिल्कुल फोकस किया जा सकता है डॉक्टर साहब आज के मौजूद को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसी बात कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें स्टूडेंट्स के लिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप लोग आजकल इतना मीडिया है अवेलेबल अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स को कि आपकी अंडर ग्रेजुएट्स को क्या आपको लगता है कि आपकी ट्रेनिंग में वो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है जो कि एज अ डॉक्टर होनी चाहिए या आपके आ, अंदर वो खूबियाँ डेवलप नहीं हो रही हैं जो कि आप एक डॉक्टर में देखना चाहते हैं तो आप खामोश मत बैठें डिमांड सर्विसेज स्टूडेंट्स आर आ बेस्ट प्रोडक्ट एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो द कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज जब हम एकेडमिक्स हम एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपने स्टूडेंट्स के लिए जी. तो उनका फर्ज है पढ़ना जिम्मेदारी उनकी है पढ़ना लेकिन उनका यह है कि वो हमसे अच्छी तालीम डिमांड करें वो हमसे अच्छा करिकुलम डिमांड करें और वो हमसे कहें कि हमें आके पढ़ाओ तो पढ़ना तो है पढ़े बगैर और आगे मेहनत किए बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता है बिल्कुल और मेरे ख्याल से यही जायज़ तरीका भी होता है जिंदगी में कुछ हासिल करने का डॉक्टर साहब आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाई और बहुत सारी अहम मालूम हमें फ्राहम की एक ऐसे मौजू पर जिसका इम्पैक्ट हम सबकी सेहत पर पड़ने वाला है नाजरीन प्रोग्राम के अख्ताम पर जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि हमने जैसे आज के प्रोग्राम में बात की मेडिकल एजुकेशन के हवाले से इसमें बात की जाती है साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए लर्निंग कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से बेहतर डॉक्टर्स बनाए जाएँ हमारे यहाँ जब फ्यूचर को डिसाइड करने की बात आती है एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है जब वो इंटर लेवल पर पहुँचता है या उसके फ्यूचर को डिसाइड करने की बात आती है तो आम पर वो वो करता है जो वालदेन की मर्जी होती है या एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है कि अगर लड़कों की बात की जाए तो डॉक्टर या इंजीनियर और ख़ासकर लड़कियों में भी यही होता है कि दो फील्ड्स ही एग्जिस्ट करती हैं और तीसरी कोई किसी के बारे में कोई जानता नहीं है बहुत सारी और फील्ड्स भी हैं बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सेल करने देना चाहिए क्योंकि वो बच्चे जो अपनी मनपसंद फील्ड में जाते हैं वो बहुत तेज़ी से तरक्की पाते हैं क्योंकि Uh, सिर्फ और सिर्फ़ मुश के अलावा भी ज़िंदगी का एक और एस्पेक्ट होता है जो बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में दिलचस्पी ना हो तो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाने लगती है तो बेहतर यह है कि जब बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने की बात आए तो उनकी ख्वाहिशा को भी मद्देनज़र रखा जाए इन्हींफाज के साथ मैं डॉक्टर इक्राम आपसे जाना चाहूँगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाफ़